वो जो लिटिल सी दिस क्वेश्चन से दैट इफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 10 एंड एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 24 देन एन ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हम लोग क्या करते हैं, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमने वेन डायग्राम बनाया, जो जो चीजें दी हुई है पहले उसको फिल करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या पॉसिबल। हमारा इनवर्स ए, हमारा ए है और ये भी। अब अलग अलग कलर से पहले भर लेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है ए। पहले तो ये पूरा का पूरा 25, ठीक है। अब कहता है कि ए को छोड़ दो, मतलब ये वाला पार्ट जो हमारे पास है दैट इज ए, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है बी वाला, ये वाला, ये हमारे पास कितना है 9, टोटल 24 है। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 19 हो जाएगा, ये 24 है, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा कितना 5। तो हमने इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब अगर मैं ए की बात कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ ए के एलिमेंट्स की बात करूंगा, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए जो हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 5 दैट इज इक्वल, और एन ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल, ये होगा हमारे पास। ओके, अब हम लोगों को चाहिए क्या, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो गया। देयर फोर एन ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस ऑफ एन ऑफ बी, ये हमारे पास आ गया कितना, दैट इज 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 10 किया तो 140 और प्लस 570 तो ये हो जाएगा 200, ये हमारा फिर वेस्ट ऑफ।